हेलो एंड वेलकम बैक टू जी मैक्स स्टूडियोज। पिछले कुछ हफ्तों से हमारी बात चल रही है कि कैसे हम अपनी फोटोग्राफ्स पे और ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल पा सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे शटर स्पीड फोटोग्राफ्स को असर करती है। इस हफ्ते उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपर्चर का फोटोग्राफ्स पे क्या असर होता है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड किसे कहते हैं और कैसे अपर्चर के जरिए हम इसे कंट्रोल करके अपनी हर फोटोग्राफ को एक अलग पहचान दे सकते हैं। किसी भी फोटोग्राफ में जिस जगह पर फोकस होता है उसे पॉइंट ऑफ फोकस कहते हैं। इस तस्वीर में पॉइंट ऑफ फोकस नंबर 5 पर है। पॉइंट ऑफ फोकस के थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे एक हिस्सा होता है जो भी फोकस में लगता है। इस हिस्से के सबसे आगे और पीछे वाले पॉइंट के बीच की दूरी को डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। इसे DOF भी लिखा जाता है। ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड को डीप डेप्थ ऑफ फील्ड या डीप फोकस कहा जाता है और कम डेप्थ ऑफ फील्ड को शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड या शैलो फोकस कहा जाता है। डेप्थ ऑफ फील्ड कितनी शैलो या डीप है यह अपर्चर पर डिपेंड करता है। अपर्चर जितना छोटा होगा डेप्थ ऑफ फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। इसे याद रखने के लिए हम यूं भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा अपर्चर का नंबर उतनी ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड और जितना कम अपर्चर का नंबर उतनी कम डेप्थ ऑफ फील्ड। तो इस फोटो की डेप्थ ऑफ फील्ड कम है क्योंकि ये फोटो अपर्चर F2 पे ली गई है और इस फोटो की डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा है क्योंकि इसे F16 के अपर्चर सेटिंग पे शूट किया गया है। तो भाई अब आप ये कहेंगे कि इतना पैसा खर्च करके बड़े अपर्चर वाला फास्ट लेंस लिया है तो मैं तो हमेशा फुल ओपन पे ही शूट करूंगा, उससे लुक भी अच्छी आती है। वेल, बात तो आपकी सही है और सही नहीं भी, क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड भले ही वो ज़्यादा हो या कम हो हर तस्वीर में उसकी अपनी एक जगह होती है। हमें बस इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। डेप्थ ऑफ फील्ड का इस्तेमाल हमें ये सोच के करना चाहिए कि हम फोटोग्राफ में कितना दिखाना और कितना छुपाना चाह रहे हैं। आमतौर पे लोगों की फोटो या पोर्ट्रेट लेते वक्त हम डेप्थ ऑफ फील्ड को कम रखते हैं ताकि ध्यान सब्जेक्ट पे बना रहे और बाकी चीजें डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें। इसी तरह अमूमन लैंडस्केप या सीनरी की फोटो लेते वक्त हम डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा रखते हैं ताकि उस नज़ारे की एक एक चीज हमें साफ दिखाई दे। मगर हर चीज की तरह इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब मान लीजिए आप एक बड़े ग्रुप की फोटो ले रहे हैं। अगर आप अपर्चर को ओपन करके फोटो लेंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड इतनी कम होगी कि ग्रुप में सभी के चेहरे साफ नजर आए, ऐसा काफी मुश्किल है। इसीलिए हमें अपर्चर को छोटा करके या स्टॉप डाउन करके ये तस्वीर लेनी होगी ताकि डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाए और सबके चेहरे कुछ हद तक तो पहचाने जा सके। तो कभी कभी सही डेप्थ ऑफ फील्ड का इस्तेमाल क्रिएटिव फैसला ही नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाता है। इसका मतलब हर सिचुएशन में हमें शूट करने से पहले समझना होगा कि हम कितना छुपाएं और कितना दिखाएं। इस तस्वीर को पहले मैंने 4.5 के अपर्चर पर शूट किया, ये सोचकर कि इन पत्थरों पर जो प्रार्थनाएं लिखी हैं उन पर फोकस रहेगा तो अच्छा लगेगा। फिर ध्यान आया कि अगर बैकग्राउंड में जो मोनास्ट्री है अगर वो भी दिख जाए तो शायद इन पत्थरों का मतलब ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने अपर्चर छोटा करके F20 कर दिया और ये तस्वीर ली। अब इन दोनों फोटो में कौन सी बेहतर है, कौन सी ज्यादा कहानी बयान करती है, इनमें सही या गलत कुछ नहीं है। यह फैसला सिर्फ फोटोग्राफर के हाथ में है। चलिए एक और फोटो देखते हैं। ये तस्वीर F1.8 पे खींची गई है, मगर फिर लगा कि ये तस्वीर कहां खींची गई है, ये थोड़ा साफ हो जाए तो शायद और अच्छी लगेगी। इसीलिए अपर्चर को थोड़ा सा दबाकर F4 पे दोबारा शूट किया। अब दोनों ही तस्वीरों में सब्जेक्ट पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ, मगर F4 पे खींचने से पीछे रखा लैंप और पेंटिंग्स ज्यादा क्लियर हो गई और फोटो का फील बदल गया। अपर्चर के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनका असर डेप्थ ऑफ फील्ड पे पड़ता है, मगर उनके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। तो हालांकि डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में कोई ऐसे ठोस नियम नहीं है जिनको अगर हम फॉलो ना करें तो हमारी तस्वीरें खराब आएंगी, लेकिन अगर हम इसके बारे में ध्यान रखें तो रोजमर्रा की फोटोग्राफ्स भी और ज्यादा कुछ कह सकती हैं।
तो एक बार फिर वही सवाल उठता है कि अपर्चर को कंट्रोल कैसे किया जाए, और जवाब शायद आप समझ ही गए होंगे, कैमरे के अपर्चर प्रायोरिटी मोड से। अपर्चर प्रायोरिटी मोड में जाने के लिए हमें निकॉन कैमरास पर ए मोड में जाना पड़ता है और कैनन कैमरास पर एवी मोड में जाना पड़ता है। इस मोड में जाने के बाद हमें सिर्फ अपर्चर छोटा या बड़ा करना पड़ता है और कैमरा खुद ब खुद सही एक्सपोजर के लिए अपनी शटर स्पीड सेट कर लेता है। तो क्यों ना हम अपने कैमरास को अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे सेट करें और देखें कि अलग अलग अपर्चर्स पे शूट करने से हमारी तस्वीरों पर क्या असर पड़ता है। चलिए, तो हम लोग समझ चुके हैं कि अपर्चर प्रायोरिटी मोड और शटर प्रायोरिटी मोड का कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैमरे के बाकी मोड्स को कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं प्रोग्राम या ऑटो मोड की, और उस मोड की जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, अगले एपिसोड में हम मैनुअल मोड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, अगर कोई सवाल पूछने हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर थोड़ा वक्त मिले तो थोड़ी बहुत शूटिंग भी कर लीजिए। हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ।